Welcome back to MSS English classes, and this video is the last part on this chapter, A Girl with a Basket. और इसमें हम पढ़ रहे थे कि जो राइटर हैं वो लड़की की आंखों में आंसू देखकर बहुत ज़्यादा, मतलब उनके दिल में बहुत दया आ गई और वो चाहते थे उस लड़की की हेल्प करना. हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास दूसरी टोकरी के लिए कोई जगह नहीं थी, मतलब दूसरी टोकरी की आवश्यकता की तो बात छोड़ दो, जगह ही नहीं थी. तो अब उन्होंने हेल्प करने के लिए क्या किया कि उन्होंने बैलेंस किया अपने बास्केट को और फैंस को अपनी लेफ्ट आर्म पर, और राइट पॉकेट से कोट की उन्होंने क्या निकाला, एक हैंडफुल ऑफ चेंज निकाला, कुछ छुट्टे पैसे निकाले, मतलब खुले पैसे निकाले. और जो लगभग कितने थे वो बता रहे हैं, शायद 15 सेंट्स थे, 15 सेंट थे टोटल, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिन्हें मैंने टोकरी में रख दिया. उस लड़की ने जो टोकरी हाथ में पकड़ी हुई थी उस टोकरी के अंदर वो कह रहे हैं मैंने उसको रख दिया. दैट द यंग गर्ल हैल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो जिस टोकरी को उस छोटी बच्ची ने पकड़ा हुआ था, इम्प्लोरिंगली मीन्स रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरी टोकरी ले लो, Imploringly means होता है earnestly request करना, beg करना, गिड़गिड़ाना. तो वो मेरे सामने request करते हुए जो टोकरी को पकड़े हुए था, जिस टोकरी को, उस टोकरी में मैंने वो 15 cents, वो 15 सेंट रख दिए. I tried to explain, writer कह रहे हैं कि I tried to explain, मैंने उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, tried किया, प्रयास किया, that I could not buy the basket, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, but extended the gratuity as a substitute. अब राइटर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, extended का मीन्स होता है ऑफर करना, देना, gratuity का मीन्स होता है प्रेजेंट ऑफ मनी, यानी मीन्स टिप देना, उपहार के स्वरूप कुछ पैसे देना. सब्स्टिट्यूट मीन्स होता है किसी चीज के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के स्थान पर कुछ देना. तो राइटर अब क्या दे रहे हैं, किस चीज के स्थान पर, टोकरी के स्थान पर, सब्स्टिट्यूट. उन्होंने क्या दिया उस लड़की को, प्रेजेंट ऑफ मनी, उपहार दिया, धन का उपहार, ऑफर किया, दे दिया, जो टोकरी में 15 सेंट्स डाले उसको राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को एज अ टिप, यानी कि प्रेजेंट ऑफ मनी दे दिया, और वो टोकरी खरीदने के स्थान पर दिया क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं थी. आई रियलाइज एट वंस, अब राइटर ने दे तो दिए वो 15 सेंट्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया एट वंस, तुरंत, वॉट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया. वो कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत व्यवहार, मतलब मैं आई हैड गिवन, जो मैं दे चुका था वो ग्रेचुअटी, उसको देकर मैंने कितना बड़ा अपराध किया, ऐसा राइटर ने महसूस किया कि वो रॉन्ग बिहेवियर राइटर को लगा अपना. दिस चाइल्ड ऑफ 9, और वो क्यों लगा, क्योंकि उस बच्ची के जो एक्सप्रेशन थे चेहरे पर, उसी से राइटर समझ गए कि इस बच्ची को मैंने हर्ट कर दिया है. अब वो कह रहे हैं दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रेस्ड हर चिन रीच्ड इनटू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी. अब कह रहे हैं ये जो 9 साल की बच्ची थी जिसने पहने हुए थे रैक्स, रैक्स मीन्स वर्न आउट क्लोथ्स होते हैं, जो काफ़ी बार पहनने के बाद घिस जाते हैं और थोड़ा जगह जगह से फटने भी शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे ही कपड़े उस लड़की ने पहने हुए थे, रैक्स मीन्स चिथड़े या वर्न आउट क्लोथ्स होते हैं. एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, वो बता रहे हैं कि लड़की बिल्कुल भुखमरी की कगार पर थी. तो राइटर उसकी सिचुएशन बता रहे हैं कि लड़की दिखने में ऐसी, मतलब थी कि वो 9 साल की बच्ची फटे हुए कपड़ों में थी, भुखमरी की कगार पर थी, एज मीन्स किनारा होता है, तो यहाँ पे भुखमरी की कगार पर थी. और उसने बता रहे हैं कि उसका एक्शन क्या था, उसने रेस्ट किया, उठाया हर चीन अपनी ठोड़ी को, उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे सम्मान के साथ, पूरे गौरव के साथ, प्राइड मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक लेडी के अंदर जो शालीनता होती है, जो प्लीजिंग क्वालिटी होती है, जो अच्छा व्यवहार होता है, तो उस लेडी के, एक लेडी के गौरव और सम्मान के साथ, शालीनता के साथ उसने वो मनी हैंडेड बैक, यानी कि मुझे वापस दे दिया, मेरे हाथ पर रख दिया. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब राइटर कह रहे हैं कि मेरे पास बस एक ही काम था जो मैं कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली. मीन्स जो राइटर है वो मजबूर हो गए, उस लड़की ने इतना मजबूर कर दिया उनको, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट ने, कि राइटर को वो टोकरी खरीदनी पड़ी. सो शी वाइप्ड हर आइज, अब उसने क्या किया, अपनी आंखें पोंछी, यानी कि अपने आंसू पोंछे, स्माइल, वो मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ती हुई, प्लेटफॉर्म से दौड़ती हुई नीचे चली गई. डैश मीन्स दौड़ कर जाना. ही डिड फॉर सम ग्रास, और कुछ किसी घास की हट में, ही डिड मीन्स चली गई,
किसी घास की झोपड़ी की ओर बढ़ गई, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सैंड्स एट दैट नाइट. और राइटर कह रहे हैं कि उसके पास उस रात कम से कम, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, 30 सैंड्स तो थे ही, 30 सैंड उसके पास तो कम से कम उस रात होंगे ही. और राइटर को इस रिलैक्सेशन भी है इस बात को जानकर कि कम से कम उस रात मतलब उनकी फैमिली को और उस लड़की को खाना मिल जाएगा, तो राइटर को बहुत अच्छा लगा. और इससे बात से पता चलता है कि राइटर के अंदर एक सिंपैथी है ऐसे लोगों के प्रति जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और पॉवर्टी में रहने वाले लोग हैं, तो उनके प्रति राइटर के हृदय में एक सिंपैथी है. और उसने मतलब लड़की को जो खुश देखा, स्माइल देखा, तो राइटर को भी अच्छा लगा. और अब वो कह रहे हैं कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि मैंने ये स्टोरी बताई प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये स्टोरी बताई. आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया, इट वॉज वन रीजन, कि यही एक कारण था, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है, यानी कि भारत मुझे अच्छा लगने लगा. और भी पहले से ही मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना था, राइटर ने काफी कुछ सुन रखा था. तो कह रहे हैं कि अब तो मुझे मतलब भारत से बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम हो गया है यहाँ के लोगों को जानकर. अब वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों से मतलब क्या क्या उन्होंने देखा. पीपल आई सॉ इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, जिनको मैंने गांव में देखा और उसी रूप में मैंने हाई ऑफिस, ऊंचे ऊंचे जो पदों पर हैं, इट मीन्स चाहे वो गरीब हैं चाहे वो अमीर हैं, दोनों तरह के हैव बोथ, उन दोनों में ही क्या देखा मैंने, प्राइड को देखा, सेल्फ रेस्पेक्ट की एक भावना को देखा, एक लिवली सेंस देखा मैंने, एक जीवंत भाव को देखा ऑफ डिसेंसी, उत्तम व्यवहार का, उनके अंदर एक उत्तम व्यवहार का एक लिवली सेंस है, एक जीवंत भाव है, श्रेष्ठता का जीवंत भाव है, और सिटीजनशिप नागरिकता, इट मीन्स अपने देश के प्रति जो प्यार है, अपने देश के प्रति जो लगाव है, वो मैंने उनके अंदर देखा. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, मैंने देखा कि वो भी एक, उनके अंदर एक पैशन भी है, एक जुनून है फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइटर कहना चाह रहे हैं कि उनके अंदर स्वतंत्रता, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए भी, दोनों के लिए ही एक जुनून उनके अंदर है, और जो आज भी कायम है. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, और ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्कैलर, जो गंदी बस्ती में, डर्टी प्लेस पर पैदा हुई, एंड पॉवर्टी में पैदा हुई, इट मीन्स गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, दोनों ही चीज़ों में, ग्रामर में भी और मैनर्स में भी. ग्रामर मीन्स कोई रूल्स रेगुलेशन उसने नहीं सीखे थे, जो स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाए जाते हैं, ऐसा उसको कुछ भी नहीं आता था. इट मीन्स भाषा पर पकड़ नहीं थी. मैनर्स जो बिहेवियर था उसका, तो उससे वो लग रहा था कि वो अनएजुकेटेड थी, वो कभी स्कूल नहीं गई. हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और वो मुझे एक झलक दे चुकी थी, ग्लिम्पस दे चुकी थी इंडिया की वार्म सोल की, इट मीन्स इंडिया की जो एक जीवंत आत्मा, एक जीवंत भाव, यानी कि इंडिया के लोगों के अंदर जो एक आत्मा है उसकी एक झलक वो मुझे दे चुकी थी. तो राइटर यहाँ पे इंडिया से बहुत इम्प्रेस हुए, और वो उस बच्ची से बहुत इम्प्रेस हुए, उस एक बच्ची ने पूरे इंडिया की झलक राइटर को दे दी. और राइटर का जो विशेष लगाव हमने देखा पुअर पीपल से, तो वो बहुत ही खास है कि हमें भी ऐसी सिंपैथी रखनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और हो सके तो उनकी मदद भी करनी चाहिए. और एक सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना जो हमें अच्छा बनाती है, और ये इस चैप्टर से सीखने को मिलता है कि हमें, हमारे अंदर भी ये सब भाव होना चाहिए. जो तारीफ उन्होंने की है इंडिया की, जो प्रेज उन्होंने किया, अप्रिशिएशन दिया है, वो हमेशा बना रहे, और ये आने वाली जनरेशन पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.